बाबा। हाँ जी। और धर्म खंड में पतित नहीं बनते हैं तो भारती पतित बनते हैं, ये क्यों? क्योंकि और धर्म खंड की आत्माएं दूसरे धर्मों की हैं, कि 16 कला संपूर्ण देवी देवता धर्म वाली हैं। कौन से धर्म की हैं? वो कम कलाओं वाली हैं या संपूर्ण 16 कला वाली हैं? और धर्म में कम कलाओं वाली नीचे उतरती हैं, तो वो पूरे पतित थोड़े ही बनते हैं, वो तो बाद में उतरी है। और हम पहले पहले ने तो उतरे हैं परमधाम से, तो ज्यादा पुराना कौन हो गया है? देवी देवता सनातन धर्म वाले ज्यादा पुराने हुए। जो ज्यादा पुराने हैं वो ज्यादा तमो प्रधान, और जो बाद में उतरे वो कम तमो प्रधान। तुम जास्ती पतित भी बनते हो, तुम जास्ती पावन भी बनते हो। वो जास्ती पतित भी नहीं बनते तो जास्ती पावन भी नहीं बनते। जैसे कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं ना, कृष्ण वाली आत्मा राम वाली आत्मा के मुकाबले पतित बनती है, है? कृष्ण वाली आत्मा तो पहले ही शरीर छोड़ गई, दुनिया पूरी पतित बनी नहीं, तो वो जास्ती पतित भी नहीं बनी। और राम वाली आत्मा अंत तक, जब तक महाशिवरात्रि होवे, बड़े ते बड़ी रात्रि, तब तक इस दुनिया में रहेगी, और शूटिंग पीरियड में भी नीचे गिरती रहेगी, फिर बाप आए उठाते हैं। तो दूसरे धर्मखंड अधूरे धर्मखंड है, और भारत खंड संपूर्ण खंड है। उन दूसरे धर्मखंडों में आत्माएं पूरी पावन नहीं बनती हैं, इसलिए सतयुग में आती हैं, नहीं आती है। तुम पूरे पावन बनते हो, इसलिए ड्रामा के आदि में ही आ जाते हो। तुम पूरा सुख भी देखते हो इस दुनिया का, पूरा दुख भी देखते हो। और तो बाबा महाशिवरात्रि 76 में नहीं, महाशिवरात्रि 76 में कैसे कहेंगे? वहां शूटिंग पूरी हो गई, सबकी शूटिंग हो गई, फिर सारी दुनिया अभी भी पतित है, और पतितपना आगे बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अभी जो नई नई आत्माएं आ रही हैं, ज्ञान में नई नई आ रही हैं, तो सतो प्रधान आती हैं, तमो प्रधान आती हैं, है? सतो प्रधान आ रही, पहले सतो प्रधान आत्मा होती है, बाद में तमो प्रधान बनती है। तो जितने भी आने हैं इस ज्ञान में भी, एडवांस में भी, उनका कोई तो अंत होगा। तो वो अंत बताया 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो कब पूरे होते हैं वो 40 वर्ष? 2018-17 के आसपास वो 40 वर्ष पूरे होते हैं। और बाबा, जैसे बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म बतन कुछ ऊपर, सूक्ष्म बतन कुछ होते नहीं है, तो ऐसे भी लगता है कि ऊपर परम धाम भी कुछ होते नहीं, सृष्टि में ही सब कुछ है, तो एक्चुअल परम धाम क्या है? सवाल ये है, परम धाम कुछ भी नहीं है, तो दुनिया में आत्माओं की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? कहाँ से आ रही? अगर इसी दुनिया की होती तो पहले भी संख्या बढ़ जाती बीच बीच में। आत्माएं आ रही हैं, मनुष्य आत्माएं भी आ रही हैं, पशुओं की आत्माएं भी आ रही हैं, पक्षियों की आत्माएं भी आ रही हैं, कीड़े मकोड़े सब बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं?
कीटाणु बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ से आ रही है? पृथ्वी, इसके आसपास वायुमंडल है, वायुमंडल के आसपास स्पेस है, जिस स्पेस में सूरज चांद सितारे हैं, उस स्पेस के भी पार वो ही परमधाम है। स्पेस में पांच तत्व हैं, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, लेकिन एक ऐसा धाम भी है जहां ये पांच तत्वों की दुनिया है ही नहीं, वहां सिर्फ आत्माएं ही रहती हैं। ये आत्मा पांच तत्वों से परे है, आत्मा अलग चीज है, पांच तत्वों से बना शरीर अलग चीज है। तो ये जो दुनिया है वो भौतिक दुनिया है, पांच तत्वों वाली, उसमें स्पेस भी आ जाता है। सारी दुनिया का जब विनाश होगा, एटम बम फटेंगे, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, तो सब मरेंगे कि कोई रह जाएंगे? हैं? सब मरेंगे, लेकिन जो बाप से राजयोग सीखने वाली आत्माएं हैं, वो राजयोग सीखने वाली आत्माएं, उनकी श्वास प्रश्वास की क्रिया बड़ी धीमी हो जाएगी। एटमिक एनर्जी का उनके ऊपर असर नहीं होने वाला, बाकी का तो श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। तो एटमिक बमों की जो बदबू है, जो विषैला तत्व है, वो उनको घर कर जाएगा। तुम बच्चे याद में जाएंगे ऊपर, शरीर तो रहेगा इस सृष्टि पर, लेकिन बर्फ के अंदर रहेगा। बर्फ के अंदर चीज सुरक्षित रहती है या खराब हो जाती है? सुरक्षित रहेगी। और बाबा, ये जो बाबा ने बुद्धों को बुद्धिमान कहा है, इसको बुद्धों, महात्मा बुद्धों को, महात्मा बुद्ध को बुद्धिमान इस दुनिया के हिसाब से, हाँ, फिर भी महात्मा बुद्ध ने भी वही कहा था परम धाम मतलब ऊपर नहीं है। नहीं, महात्मा बुद्ध को, क्राइस्ट को, इब्राहिम को, इनको सच्चाई का क्या पता? किस हिसाब से बुद्धिमान कहा बाबा ने बुद्ध को? इसी हिसाब से कि उन्होंने जो भी धर्म के सिद्धांत बताए, उन सिद्धांतों में ऐसा एक भी सिद्धांत नहीं है जो दूसरों को दुख देने वाला हो। ये बड़ी से बड़ी बुद्धिमानी है। हाँ। और बाबा, स्थूल बीस और चैतन्य बीस है, स्थूल बीस, स्थूल बीस, स्थूल बीस क्या, स्थूल बीज और चैतन्य बीज, हाँ, इस दोनों में तो पार्थक है। हाँ, जैसे शिव है सूक्ष्म बीज, शिव है बीज तो है दुनिया का, लेकिन कैसा बीज है? सूक्ष्म बीज है। और प्रजापिता मनुष्य सृष्टि का स्थूल बीज है। ऐसे ही और धर्मों में भी जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, वो है सूक्ष्म बीज। और जो नीचे से हैं पहले से ही मनुष्य सृष्टि के बीज, सृष्टि के आदि से ही हैं, वो स्थूल बीज है। बीजों का कभी विनाश नहीं होता है। पावरफुल कौन हो गया? ज्यादा पावरफुल तो इस समय पता चलता है ना, जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, तुम बनते हो पावरफुल या इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ज्यादा पावरफुल बनते हैं। उस समय, जिस समय माया ने परछाया डाला, उस समय तो पुरानी पुरानी आत्माएं तमो प्रधान बन गई, तो उनके पंजे में आ गई, तो हम कमजोर थे। द्वापर कलयुग में कौन कमजोर हुआ, ऊपर से आने वाले या नीचे से जो सतयुग से जन्म लेते आए? वो सतयुग से जो जन्म लेते आए वो ज्यादा तमो प्रधान हो गए, इसलिए कमजोर हो गए, उनके अंडर दी कंट्रोल आ गए, उन्होंने हमारे ऊपर राज्य कर लिया, आज विदेशियों का राज्य है हमारे ऊपर। लेकिन अभी भगवान बाप आया हुआ है,
तो हम बाप को पहले पहचान रहे हैं या विदेशी पहचान रहे हैं? तो कौन पावरफुल हो जाएगा? हम पावरफुल हो जाते हैं। जब हम पावरफुल हो जाते हैं तो फिर वो आत्माओं की नहीं चलती है, वो हमारे अंडर दी कंट्रोल आ जाएंगी संगम युग में। और बाबा पाप ने तीन रूप का पाठ बजा रहे हैं, तीन रूपों का पाठ बजा रहे हैं, तीन रूपों का पाठ ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप ने टीचर का बाप टीचर सदगुरु सदगुरु और अभी तो टीचर का पाठ बजा रहे हैं ना, और सदगुरु का पाठ तो क्या है? हम तो सख्त पाठ है सदगुरु का। अभी टीचर बार बार समझाता है, बाप बार बार समझाता है, बच्चे माने या न माने, तो ये प्यार का रूप हो गया। हमेशा प्यार ही करता रहेगा, क्या सुधर रहे हैं प्यार से? हैं, बाप के प्यार से, टीचर के प्यार से, ब्रह्मा माता के प्यार से सुधरे हैं या बिगड़े हैं? तो कोई तो मौका ऐसा टाइम आना पड़ेगा, आखिर अति होगी, उसका अंत होगा कि नहीं? तो सदगुरु का रूप धारण करता है। एक बार कहा माना तो ठीक, नहीं माना तो काओ सजा। कब होगा भाई ये, कब होगा? अभी टाइम तो बता दिया, अभी शिव जयंती प्रत्यक्षता वर्ष का टाइम नहीं बताया? अभी अभी पाप कर्म करो, अभी अभी उसकी सजा मिलेगी। और बाबा तीन मूर्ति का नाम है शिव शंकर वर्मा विष्णु। हाँ। और को तो शरीर है, शिव को तो शरीर नहीं है। हाँ। शिव को तो आत्मा है। हाँ। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, मेरी आत्मा ज्योति बिंदु, बिंदु का ही नाम शिव है, बाकी जो आत्माएं हैं तो बिंदु, लेकिन उनकी आत्मा का नाम नहीं होता है। वो जब शरीर धारण करते हैं तब उनका नाम पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं शरीर के जन्म मरण के चक्र में आता नहीं हूँ, और सब आत्माएं जन्म मरण के शरीर के चक्कर में आ जाती है, पांच तत्वों में बंध जाती है, मैं पांच तत्वों में बंधता नहीं हूँ, इसलिए मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, और बाकी जो आत्माएं हैं उनके शरीर के ऊपर नाम पड़ते हैं। और शरीर के पिता को हम लौकिक पिता कहते हैं, लौकिक इस लोक का, आत्मा के पिता को अलौकिक पारलौकिक पिता, वो पारलोक का है, इस दुनिया का नहीं है, वो पारलोक से आया है। तो अलौकिक पिता भी और पारलौकिक, अलौकिक पिता वो है जो लौकिक दुनिया का तो था, लेकिन बाप का बनने के बाद अब लौकिक दुनिया का नहीं रहा, रीति रस्म रिवाज लौकिक दुनिया की नहीं मानता, अलौकिक हो गया, आ माने नहीं, लौकिक दुनिया की रीति रस्म रिवाज त्याग दिए या उन पर चल रहा है, त्याग दिए तो अलौकिक हो गया। तो फिर पारलौकिक, पारलौकिक वो, उसे त्यागने की जरूरत नहीं पड़ती, इस लौकिक दुनिया के रीति रस्म रिवाज त्यागता है क्या? वो त्यागता है माने कभी पकड़े थे क्या? नहीं, उसने पकड़े ही नहीं, इसलिए वो सदैव ही पारलौकिक है। इस सृष्टि पर आता भी है, कोई तन में प्रवेश भी करता है, पतित तन में प्रवेश करता है तो भी पतित पने का उसको रिंचक भी लेश मात्र संघ का रंग नहीं लगता। और जितने भी धर्म पिता हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, उन सबको इस सृष्टि में आने के बाद संघ का रंग लग जाता है, और शिव को कोई भी संघ का रंग नहीं लगता, इसलिए वो इस दुनिया का है ही नहीं। कहाँ का है?
पार लोक है। और वही परम पिता, परम पिता तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। परम उसे कहा जाता है जो सबसे बड़ा हो। मनुष्य सृष्टि का बाप बाप तो है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है आदम, एडम, प्रजापिता, आदिदेव कहते हैं ना, तो परमात्मा नहीं, आदम एडम परमात्मा थोड़ी है। अच्छा। वो परम आत्मा बनता भी तब है जब शिव प्रवेश करते हैं, तब उसे पता चलता है कि आत्माओं के बीच में जो भी आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उनमें मेरा परम पार्ट, हीरो पार्टधारी मैं हूं। तब उसको भान आता है कि मैं परमात्मा का पार्टधारी हूं। लेकिन यहां परमात्मा की बात नहीं हो रही, यहां तो हो रही परम पिता की बात। तो मनुष्य आत्माओं का पिता तो परम, वो प्रजापिता है, आदम एडम है, लेकिन उसका भी कोई पिता है या नहीं है? कौन है? शिव बाप। तो वो परम पिता हुआ, उसका कोई बाप नहीं। तो परम पिता को ही परमात्मा कहते हैं? नहीं, वो आत्मा तो है लेकिन उसकी भेंट किसी से नहीं की जा सकती। चक्कर में आते नहीं, वो चक्कर में ही नहीं आता। इसलिए परमात्मा वो है जो आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाए, हीरो पार्ट बजाधारी है, सो ये परमात्मा है। इसलिए सदैव कहा जाता है परम पिता परमात्मा, ऐसे नहीं कहते हैं परमात्मा परम पिता। तो बाबू जो बुक्स में किताब में लिखा है जो क्या शिव और शंकर का जो अंतर बता रहे, शिव शंकर, शिव का नाम पहले या शंकर का नाम पहले? शिव का नाम पहले क्योंकि बड़ा है, ऐसे ही परम पिता परमात्मा। तो ऐसे लिखा है कि शिव है अलग से परमात्मा और शंकर है आत्मा, तो परमात्मा तो शिव बाप हो गया इस हिसाब से। वो हीरो पार्टधारी नहीं है परमात्मा, शिव को कहें तो हीरो पार्टधारी है नहीं, उसका उसकी तो वो तो तुरिया पार्ट है, उसकी भेंट किसी से नहीं कर सकते। बाबा जो बुक्स में जो उसे लिखा है ऐसा क्यों लिखा? वो अगर लिखा है तो उसे संभालना है, ठीक करना है। और बाबा राजयोगी और राज ऋषियों में क्या अंतर है? अरे ऋषि मुनि कहाँ राज जानते हैं, उनकी बुद्धि में भगवान का बताया हुआ राज है क्या? उनकी बुद्धि में राज की बातें हैं? नहीं, राज तो इस सृष्टि के बाप हमको आकर के बताता है, तो हम राजयोगी हैं। जिनको राज का पता ही नहीं है वो राजयोगी कैसे बनेंगे? और हर आदमी का पांच अंगूठे होते हैं, अंगुली। हाँ, पांच अंगुली होती हैं। तो एक अंगुली अलग होते हैं, जो बड़ा अंगुली है वो अलग होते हैं, तो उसका बिहार में क्या आता है? पांच उंगली माने पांच पांडव, पांच पांडव में युधिष्ठिर अलग होगा पांचों के मुकाबले, या पांचों के अनुकूल होगा? अलग होगा, अलग है बड़ा। वो बड़ा है ना, ज्यादा ताकतवर है ना, धर्म की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है ना, वो धर्मराज है, धर्म का राजा है। वो बड़ा वाला अंगूठे चार अंगुली को सहजन करते हैं। हाँ? जो चार अंगुली है वो तो उसको सहजन कर नहीं सकते। ये नीचे गया। हाँ। ये अंगूठी ऊपर आई तो सहयोग कर रहा है कि नहीं? है? हाँ। हाँ। हाँ, तो मो प्रधान से सत्व प्रधान बनने का, हम पूर्ण सत्व प्रधान बनने का
50 वर्ष लगता है पुरुषार्थ तो मोपर्धन से सत्तर प्रतिशत संपूर्ण सत्तर प्रतिशत बनाने की सोलिस तो पंचास वर्ष लगता है 76 से 40 से 50 वर्ष 76 से इस 2018 तक मुरली जी में बोला है 2018 संपूर्ण सत्तर प्रतिशत 8 आत्मा होता है 8 आत्मा ठीक है और 10 वर्ष एड करने के 50 वर्ष हो जाएगा 10 वर्ष से कितना आत्मा सत्व प्रधान हो जाएगा जो राजा बनने वाली होंगी 108 जो 108 राजाएं हैं उनके साथ रानियां भी जुड़ी हुई हैं जो विजयमाला है वो विजयमाला सत्व प्रधान बनने में तुमको किसको तुमको दुनिया वालों को नहीं कहा इनको नहीं कहा तुमको तम प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 तो तुम किससे कहा हाँ? जो सन्मुख हो रहे बैठने वाले बच्चे हैं तो वो ही है सन्मुख बाकी तो विमुख हो जाते हैं जो माला के मणके बने गले का हार बने भगवान के माला गले में पहनते हैं ना तो गले का हार बनने वाली जो आत्माएं हैं चैतन्य भगवान के कार्य में विशेष सहयोगी बनी धोखा नहीं दिया वो आत्माएं ऐसा पार्ट बजाती हैं 10 वर्ष के बाद संपन्न बन जाती हैं और अब जब राजा संपन्न बन जाएंगे तो प्रजा तो यथा राजा तथा प्रजा अपने आप बन जाएगी हाँ अब संपूर्ण संपूर्ण 40 साल से 50 साल तक संपूर्ण बनने का टाइम लगता है ना तो अभी तो उतना अभी जो नया आत्मा आएंगे आ रही है उसका तो उतना 40-50 साल करने का टाइम नहीं है अभी टाइम नहीं है अभी टाइम तो नजदीक है उनके लिए कम हो जाएगा हाँ तो उनके लिए क्या हो गया अभी तो मतलब वो संपूर्ण नहीं हो गए थे ऐसे बोल संपूर्ण नहीं हो गए थे क्यों तुम्हें कैसे मालूम जो अभी आ रही है वो यज्ञ के आदि में नहीं थी तुम्हें कैसे पता चल गया यज्ञ के आदि में भी तो हो सकती है ना तो उनका टाइम हो गया पूरा तो बाबा ये जो ब्रह्मलोक खत्म होने के बाद अमरलोक शुरू होता है मृत्युलोक खत्म होने से फिर अमर लोग शुरू होता है तो हम लोग एडवांस जो पार्टी 76 से खुल गया ना नहीं मृत्युलोक में ही तो है एडवांस पार्टी भी सिद्धि प्राप्त कर ली संकल्पों की सिद्धि हो गई नहीं हुई माने मन अभी पवित्र नहीं बना मन से संकल्प होते हैं ना तो मन ही पवित्र नहीं बना है तो इंद्रियां और वाचा तो पवित्र और दृष्टि पवित्र होने की बात ही नहीं मन से एक भी दुष्ट संकल्प न चले श्रीमद के बरखिलाफ एक भी संकल्प न चले शुद्ध संकल्प चले सदैव तब कहें हमारा मन पवित्र हुआ मन माने आत्मा मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है अमेरिका और रशिया और अमेरिका क्रोध और अहंकार रूपी दो भाई है इन दोनों को कंप्लीशन ज्ञान के बम आदि बनाने में है वो हमारे ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जो अमेरिकन्स और रशियंस हैं या उनके बीज रूपे हैं या उनके आधार मूर्त जड़े हैं ब्राह्मणों की दुनिया में उनकी बात है वो ज्ञान के बम बनाते हैं बाहर की दुनिया वाले जो अमेरिकन से हैं रशियन से हैं वो स्थूल बम बनाते हैं कि ज्ञान के बनाते हैं
स्थूल बम्ब बनाते हैं, वो स्थूल दुनिया बाद में विनाश होगी और ब्राह्मणों की दुनिया में एटम बम्ब ज्ञान के पहले फटेंगे। अब ये बम्ब निकल पड़े ना आठ क्या, हाँ तो ब्रह्मा कुमारियों में विनाश होना शुरू हो गया। सब दुनिया में इतना आदमी है लेकिन एक गोरा है और एक काला है, जैसे हो गया। इस्लाम धर्म आया, इस्लामियों में अफ्रीकन्स ज़्यादा पुराने हैं कि अफगानिस्तान ईरान वाले ज़्यादा पुराने हैं? नहीं, अफगानिस्तान मुस्लिम धर्म है, हाँ अफ्रीका में ज़्यादा पुराने हैं और ठेठ मुसलमान है, बहुत बहुत काम ही है, काम विकार से ही काले बनते हैं। हाँ और भारतवर्ष वाले क्यों काला है? भारतवर्ष वाले क्यों काला है? भारतवर्ष सब मिक्स है, कोई धर्म ऐसा है जो भारत में नहीं पनप रहा है? अच्छा भारत की बात छोड़ दो, भारत की राजधानी, राजधानी ऐसी है दिल्ली जहाँ सब धर्म वालों ने राज्य किया है दुनिया में, और दूसरा कोई शहर नहीं है जहाँ सब धर्म वालों ने राज्य किया हो। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ सब धर्म वालों ने राज्य किया, अभी भी हिंदुओं की तादाद भी दिल्ली में ज़्यादा है, क्रिश्चियंस की तादाद भी दिल्ली में ज़्यादा है, मुसलमानों की तादाद भी दिल्ली में ज़्यादा, परसेंटेज चारों ही मुख्य धर्मों का है। सिखों का भी आबादी वहाँ बहुत ज़्यादा है। गीता में 18 अध्याय क्यों कहा जाता है? 18 अध्याय क्यों कहा जाता है? और कब से कब तक कहा जाता है? 18 अध्याय जब से ब्रह्मा बाबा माउंट आबू आए और माउंट आबू में आकर के मुरलियां चलाना शुरू किया, तब से लेकर जब तक उनकी शरीर छूटा 18 साल उन्होंने लगातार वाणी चलाई, इसलिए 18 पुराण प्रसिद्ध हैं, 18 महारथ ही प्रसिद्ध हैं। नौ धर्म प्रसिद्ध हैं और 9 धर्मों के सहयोगी 9 धर्म प्रसिद्ध हैं। ये 18 का हिसाब बन जाता है। तो 51 से पहले जो सेली गुण वो मूल क्या है? 51 से पहले उसका कोई प्रूफ नहीं है। जब से माउंट आबू में आए तब से साइक्लो स्टाइल निकालना शुरू किया, उससे पहले उसकी कापियां नहीं निकलती थी। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, ब्राह्मण का बच्चा है। गुरु नाना तो बोलता है जो ब्रह्मा का मुख से निकला है ब्राह्मण, तो उसे तो नहीं हो सकता है। औलाद भी 2 तरह की होती है ना, एक होती है देह की औलाद, उसको कहते हैं कुख वंशावली, कुख माने देह गोद, और एक होती है ब्रह्मा की औलाद मुख वंशावली। मुख से जब ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान सुने हुए ज्ञान के आधार पर जिन्होंने अपना जीवन परिवर्तित कर दिया वो मुख वंशावली हुए। अब यहां ब्राह्मणों में देखा जाए तो एडवांस वाले तो मुख का निकला हुआ ज्ञान ज्यादा मानते हैं,
उनको ब्रह्मा बाबा की गोद याद नहीं आती, और बेसिक वालों में उन्होंने गोद ली है तो उनको गोद ही ज्यादा याद आती है और ब्रह्मा बाबा ज्यादा याद आते हैं, लेकिन उनकी वाणी वाणी को ध्यान नहीं देते। मुख से निकली हुई वाणी को ध्यान न देने के कारण वो मुखवंशावली नहीं ठहरे, वो हो गए कुखवंशावली। और यहाँ भी एडवांस में भी बीज एक तरह की नहीं है कि सारे ही मुखवंशावली हों, यहाँ और धर्मों के भी बीज हैं। वो भगवान की वाणी को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, आगे चल के प्रत्यक्ष होगा। शिव तो आत्मा है ना, उसको लिंग पूजा करने से अच्छा कि बुरा है? शिव जो है ज्योति बिंदु है, क्या है, लिंग है या ज्योति बिंदु है? वो तो ज्योति बिंदु है। बिंदु की पूजा करेंगे या बड़े रूप की पूजा करेंगे? बड़े रूप की पूजा होती है। वो बिंदु जिसमें प्रवेश करता है वो बड़ा या बिंदु बड़ा? जिसमें प्रवेश करता है वो बड़ा रूप है, लेकिन उस वो पूजा के लायक नहीं है तब तक। कब तक? जब तक वो निराकारी स्टेज में न टिके। जिसमें प्रवेश करता है शिव तो प्रवेश करने मात्र से ही क्या निराकारी स्टेज हो जाती है? नहीं, वो तो प्रैक्टिस करनी पड़े। प्रैक्टिस करते 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 40 वर्ष लग जाते हैं। 40 वर्ष में वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनता है, देह से बुद्धि निकल पाती है 40 वर्ष में, तब कहेंगे निराकारी स्टेज। इसलिए इब्राहिम की, बुद्ध की, क्राइस्ट की, गुरु नानक की कैसी स्टेज दिखाते हैं? निराकारी स्टेज दिखाते हैं, जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन उनके भी निराकारी स्टेज इतनी नहीं है जितनी शंकर की दिखाते हैं। शंकर को तो सदैव निराकारी स्टेज में दिखाया है, उनको तो कोई कर्म करते भी नहीं दिखाते हैं, याद में बैठे हुए दिखाते हैं। तो वो निराकारी स्टेज है। प्रत्यक्ष जब संसार में होती है तो भगवान की भी प्रत्यक्षता हो जाती है। ब्रह्मा के इतने फोटो निकले, निकले कि नहीं, हजारों की तादाद में फोटो निकले होंगे। कोई फोटो में निराकारी स्टेज है? है नहीं है। तो ब्रह्मा की पूजा होती है? नहीं होती। पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि बाप समान स्टेज नहीं बनी। तो बाबा, ब्रह्मा के जो औलाद ब्राह्मण एकमात्र बार जाता है, विष्णु के औलाद वैष्णव, तो शंकर की फॉलोअर्स का कोई नहीं? शंकर तो औलाद ही पैदा नहीं करता। शंकर ब्रह्मचारी है या औलाद पैदा करता है? है? तो शिव की अलग स्वयं जो बोलता है, तो भी शिव तो निराकार ज्योतिर्बिंदु है। तो बच्चे भी रुद्रमाला के मण के हैं, निराकारी है। निराकारी स्टेज है रुद्रमाला वालों की है या विजयमाला वालों की है? रुद्रमाला वालों की निराकारी स्टेज है। और निराकारी बाबा मतलब निसंकल्प, बिंदु ही याद रहे, निसंकल्प। बाबा बाबा भी निराकारी है, निसंकल्प है? निसंकल्प माने निल नहीं, निल नहीं, निसंकल्प माने अगर कोई संकल्प नहीं, आत्मा की भी याद नहीं, वो हो गया निल। निल नहीं होना चाहिए, अपनी आत्मा के स्वरूप की तो याद रहे। जैसा आत्मा वैसे परमात्मा, वैसे परमपिता है, तो तीनों ही बिंदु, तो बिंदु की याद रहे और कुछ याद ना आए तब कहेंगे निराकारी। अगर दूसरा संकल्प आता है तो निराकारी नहीं है।
नहीं बाबा वो तो है, लेकिन जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नई दुनिया बनाने का, इसमें भी तो संकल्प होना चाहिए ना। नहीं, सारे काम बाप दादा करते हैं कि हम करते हैं? बाप दादा। हम तमो प्रधान आत्मा है या सतो प्रधान आत्मा है? हम सर्विस करेंगे या डिसर्विस करेंगे? क्या करेंगे? तमो प्रधान भी सर्विस करेगा। तमो प्रधान तो डिसर्विस ही करेगा। इसलिए हम जो हिम्मत करते हैं, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप बनता है। सारा काम बाप दादा कर, आप कुछ मत करिए, सिर्फ निराकारी स्टेज में टिके जाइए, सारा काम बाप दादा अपने आप कराएंगे। मम्मा ने शरीर क्यों छोड़ा था? मम्मा ने शरीर कैंसर में पीड़ित होकर के छोड़ा था। क्योंकि विद्या की देवी है ना। तो बाबा जो अमर लोग तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के लिए जो अमर लोग शुरू 76 में अमर लोग मन बुद्धि की बात है, शरीर की बात नहीं है। मन बुद्धि से अमर लोग है, माने वो मरेगा नहीं, अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेगा। कौन 76 से कौन नहीं अनिश्चय बुद्धि बनता है? प्रजापिता वाली आत्मा अनिश्चय बुद्धि नहीं बनती है, बाकी सब ब्रह्मा को भी निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता है, तो सबको निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता है। इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मुरलियों बोला, कभी ऐसा बोला प्रजापिता ब्रह्मा की रात और प्रजापिता ब्रह्मा का दिन? नहीं बोला। लेकिन जो मुरली में है जो ज्यादा जन्म लेता है उसको बेहद में जो शूटिंग होता है, ज्यादा निश्चय बुद्धि ज्यादा अनिश्चय बुद्धि बनना। हाँ, तो ज्यादा 84 जन्म तो ज्यादा से ज्यादा प्रजापिता रामली आत्मा ही तो लिए ना। वो तो बेहद में है, वो हद में नहीं है, वो बेहद की बात है, निश्चय अनिश्चय की बात है। हाँ 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 हिंदू और मुसलमान मिले हुए, हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में मिले हुए हैं, सभी देशों में नहीं। मुसलमान तुम्हारे साथ मरेंगे, इस्लामी पहले मरेंगे। क्या जीते जी पहले निश्चय बुद्धि कौन बनेगी? माया। माया कौन से धर्म की हुई? इस्लाम धर्म की हो गई। बाबा नाम रखने का काम, जिसने जैसा काम किया उसका वैसा नाम हुआ। रावण ने रुलाने का काम किया सीताओं को, तो उसका नाम रावण हुआ। युधिष्ठिर ने युद्ध में स्थिर रहने का काम किया, तो उनका नाम युधिष्ठिर हुआ। भीम ने भयंकर भयंकर काम किए, ढेर सारे राक्षसों को मारा, 100 कीचकों को मारा, 100 कौरवों को मारा, तो भयंकर भयंकर काम किए ना, तो उनका नाम भीम हुआ। अर्जुन ने पुरुषार्थ का अर्जन किया, जैसा पुरुषार्थ अर्जुन ने कमाया ऐसा किसी ने नहीं कमाया, इसलिए अर्जुन नाम पड़ा।
तो जो भी शास्त्रों में नाम है वो काम के आधार पर नाम है। और बाबा शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है जो शिव 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 को पाकिस्तान में ले करके ले जा करके लोहा के बाकस में रख करके उसको गुम कर दिया है। अगर उसको किसी हिंदू ने वो वहाँ जा करके एक तुलसी का पात अगर एक वहाँ पर अर्पण करेंगे तो वो उद्धार हो जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। मान्यता है ऐसी कि काबा में किसी को जल नहीं ले जाने देते। कहते हैं अगर गंगा जल काबा में कोई ले जाएगा तो दुनिया का विनाश हो, इस्लाम धर्म का विनाश हो जाएगा। वास्तव में ये माउंट आबू की बात है, ये माउंट आबू काबा हो गया मुसलमानों का। यहाँ तुम अंदर वहाँ तुम अंदर जा करके एडवांस ज्ञान नहीं सुना सकते, लेकिन होना तो है ही। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी गंगा नहीं निकली है। गंगा निकलेगी तो गंगा जल पहुंचेगा। और बाबा अंत में एक ट्रेन चलेगी, स्कूल ट्रेन चलेगी या संकल्प कर। हाँ आज में नहीं चली थी एक ट्रेन, सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो हर जगह से पहली ट्रेन जो निकल गई वो तो बच गए, और उसके बाद जो ट्रेनें गई वो सब काट डाले गए। ऐसे ही फिर अंत में होगा। वो छोटा नज़ारा था सन 47 में, अब बड़ा नज़ारा आएगा, उससे बड़ा नज़ारा दुनिया में कोई होने वाला नहीं है। बाबा भक्ति मार्ग में बोलता है ईरा पिंगला सुशर्मा ये तीन चीज बेहद में पापे नहीं, गंगा यमुना सरस्वती। वो लोग बोलते हैं जो मैं बैठना है तो ईरा पिंगला सुशर्मा को एक चित्र बनना है। हाँ गंगा यमुना सरस्वती जब तीनों मिलकर के एक हो जाएंगी तो सागर से मिलन हो जाएगा। और पंचभूत जो है माताओं को भी पूछ लेने दो। बाबा हनुमान ने तो लंका में आग जलाया। हाँ रावण तो नहीं जले बाबा। हाँ रावण तो नहीं जले थे ना। लंका के जलने की बात बताई, रावण जलने की बात थोड़ी बताई। तो हनुमान ने लंका में आग लगाई, रावण में नहीं आग लगाई। हाँ तो हनुमान का पूछ तो सागर में जाके डूब गया, उसका आग घुस गया। हाँ। लेकिन लंका में जो आग जली थी वो कैसे बुझा? लंका जब पूछ बुझ गई तो आग भी बुझ गई। बेहद में तो कुछ फला ना हो रहा है। बेहद में हो तो रहा है। अभी हनुमान नहीं है, कौन है हनुमान? ब्रह्मा बाबा की आत्मा। ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा है वो राम वाली आत्मा के ऊपर सवार होकर के काम कर रही है, या राम वाली आत्मा ब्रह्मा के ऊपर सवार होकर काम कर रही है? ब्रह्मा बाबा भी सवार होके काम कर रहा है। तो ब्रह्मा बाबा जब सवार होके काम कर रहा है तो ब्रह्मा बाबा अपन को साकार में भगवान मानता है या नहीं मानता है? मानता है। हैं? साकार में भगवान मानता है। जब वो साकार में अपने को भगवान मानेगा तो वो तो ये कहेगा कि मेरे संग के रंग से सब पावन बनते हैं, ये समझेगा कि नहीं? तो आज दुनिया में जो हलचल हो रही है खास करके भारतवर्ष में, ढेर सारी कन्याएं माताएं भाग भाग करके आ रही है और आगे चल के ब्रह्मा कुमारियों में से भाग भाग के आएंगी, बड़े बड़े घरों की भाग भाग करके आएंगी। तो वो लोग पुलिस में कोर्ट कचहरी शुरू कर देते हैं, किडनैप की केस लगाए देते हैं, लगाते हैं कि नहीं? ऐसे ऐसे जो झूठे केस लगा रहे हैं इनसे ये साबित होता है कि उनको आग लग रही है कि नहीं है? तो यही लंका में आग लग रही है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग।
कुछ नहीं कोई कर पाएगा, भगवान का काम अपना संपन्न होना ही है। और का जो पांच तत्व माटी पानी वायु आकाश अग्नि है, माटी पानी वायु आकाश अग्नि, तो वार्तालाप में बाबा ने क्लियर कर दिया जो मिट्टी है और धरती का यादगार है, हाँ, और जो आकाश है वो बाबा का यादगार है, और बाकी जो पानी और अग्नि वायु दूसरे देवताओं की यादगार है। जल देवता उसको कहते हैं, वरुण देवता, वायु देवता, नहीं मालूम? हाँ बाबा, तो है, लेकिन वार्तालाप में तो क्लियर कर दिया ना दोनों का, हाँ, माता का और बाबा का, हाँ, लेकिन उस हिसाब से बाकी तीन जो है वो तो क्लियर है ही। वायु देवता सुना नहीं? जब टीवी देखते हैं और धार्मिक सीरियल देखते हैं तो वायु देवता को और उसको पवन देवता को और अग्नि देवता को नहीं देखते, तो वो जरूर कोई व्यक्ति होंगे। व्यक्त रूप में पार्ट बजाने वाली देवताएं हैं। बाबा, 2012 साल के अभी कैलेंडर निकले हैं ना, तो उसमें लिखा हुआ है राजा चंद्रमा और मंत्री शुक्र, लेकिन अभी जो आने वाला जो बैसाख महीना है, बैसाख महीना से ऐसा लिखा हुआ है जो राजा भी शुक्र और मंत्री भी शुक्र, तो इसका मतलब क्या है? अरे अपने ही आप चीज बना ली, अपने ही आप मतलब निकालो, ये क्या बात हुई है? हाँ, ऐसे थोड़ी चलेगा बाबा। लास्ट में आने वाले पुरुषार्थ से ज्ञान धारण कम होती है, वही फिर फंस चली जाते हैं, क्यों? क्योंकि धारणा वाले ज्यादा होते हैं, प्योरिटी उनमें ज्यादा सी होती है। लक्ष्मी बाद में निकलेगी, लेकिन जन्म जन्मांतर की प्योरिटी उसमें है या नहीं है, तो प्रैक्टिकल जीवन में आगे जाएगी या शंकर जी की तरह बोल बोल करती रही, नगाड़ा बजाती रही? आगे जाएगी। शिव बाबा के मंदिर में नगाड़े बजाए जाते हैं, नगाड़ा बजता है ना, उस नगाड़ा में एक किड़बिड़िया होती है छोटी और एक बड़ा होता है। तो वो शंकर का मंदिर हो गया, शिव बाबा का मंदिर हो गया, किड़बिड़िया चलती है राम वाली आत्मा की, और धूम पड़ता है, वो मुरली का महावाक्य निकलता है, वो हो गया धूम। लेकिन इससे परिवर्तन कुछ नहीं होता है। परिवर्तन तभी होगा जब लक्ष्मी वाली आत्मा निकलेगी और वो ज्ञान को धारण करके सब ब्रह्मा कुमार कुमारों को सुनाएगी, सारी दुनिया को सुनाएगी, तब लक्ष्मी से स्वर्ग आएगा। लक्ष्मी का पार्ट प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल प्योरिटी है, इसलिए बाबा ने कहा कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनाया जाना चाहिए। लेकिन कोई कन्या माताएं तैयार ही नहीं हो रही है, जो ज्ञान सुना करके सारा कार्य कर दिखावे, नई दुनिया की स्थापना हो जावे, पालना होना शुरू हो जाए। बाबा एडवांस ज्ञान लक्ष्मी किन से सुनेंगे आके? किससे सुनेगी? जगदम्बा से ना, बाबा से डायरेक्टली? बाबा से क्यों सुने? जगदम्बा माता माताओं को सुनाए, बाबा ने बोल रही हूँ क्या, माता माताओं को सुनाए कन्याएं? बाबा तो कहते हैं लक्ष्मी तो बाबा से ही लेते हैं ना, है? नारायण से। ओ ठीक है, जगदम्बा ने किससे लिया? तो जगदम्बा भी तो महालक्ष्मी में है। तो अभी छोटी मम्मी जब आएगी तो बड़ी मम्मी से लेगी क्या? वो छोटी मम्मी भगत न है कि ज्ञानी है,
क्या है? भक्ति नहीं तो धक्के खाएगी कि नहीं? बिना धक्के खाए आ जाएगी। हाँ भारत में कोई आवेगा तो भारतवासी उसे पनाह देंगे। पनाह देंगे माने शरण देंगे। जो भारतीय होते हैं, राम की आत्मा के फॉलोअर्स हैं, उनका काम है विभीषण भी शरण में आ जाए। क्या? दुश्मन के घर में से भी कोई शरण में आ जाए तो उसको शरण देना, डरना डरना नहीं। सिर्फ भारतवासी ही ऐसे करेंगे, दूसरे धर्म वाले तो भगाते हैं, शरण देते हैं। बाबा बुद्ध तो नारायण को जन्म देने वाली आत्मा है। किस कैटेगरी? बीज रूप आत्मा है। बाबा दूसरे धर्म वाले आए तो देखो बाप के सामने ही पार्टीशन हुआ ना। दूसरे धर्म वाले आए तभी तो पार्टीशन हुआ। दूसरे धर्म वालों ने पार्टीशन कर दिया हिंदू मुसलमानों में, नहीं तो पहले तो हिंदू मुसलमान सारे भारत में इकट्ठे रहते थे ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन था क्या? एक क्रिश्चियंस ने आकर के पार्टीशन करवा दिया। हाँ जी बाप को सारी दुनिया क्यों याद करती है? क्योंकि बाप ने सारी दुनिया की सदगति की है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ने सारी दुनिया की सदगति नहीं की, इसलिए बाप को सारी दुनिया याद करती है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को उनके फॉलोअर्स ही याद करते हैं। हाँ ठीक है। अरे 63 जन्म पाप किसने किए? हमने किए ना, तो भोगेगा कौन? भगवान आया हुआ है तो सहन तो करना चाहिए। जब मालूम है कि धर्मराज बाप आया हुआ है तो हमें सामना करने की क्या दरकार? हाँ, कोई भी कुछ भी करता रहे, हम क्यों मुकाबला करें? हम सहन करें? हमारा हिसाब किताब है पूर्व जन्म का, हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, हमको कोई नहीं सहन कराएगा। बंधन में रहते भी मधुबन जाते भी है, बाबा से सन्मुख बैठे भी है। हिम्मत है उनकी, है तो बंधन, लेकिन बंधन में रहते हुए भी बंधन को मानते नहीं, वहां भी जाते हैं, बाबा के सामने भी आते हैं। तो पावरफुल आत्मा है कि बंधन में बंधी रहने वाली आत्मा है? पावरफुल है। चंद्रमा का गुण है प्रकाश देना। चंद्रमा गुण थोड़ा ही प्रकाश देना, शीतल प्रकाश देना। चंद्रमा का गुण कहाँ है शीतल प्रकाश देना? जब अमावस्या होती है तो चंद्रमा शीतल प्रकाश देता है? शंकर को फॉलो नहीं करना है क्यों? यही देवादेव महादेव वही है। वो शिव तो नहीं है, तो शिव को फॉलो करो। शिव बाबा हमारा बाप है, उसको फॉलो करो। शंकर तो उल्टा काम करता है, बिछुटने पैदा करता है कि फूल पैदा करता है? शंकर से जो पैदा हुए हैं वो दुनिया का विनाश करेंगे कि नई दुनिया स्थापन करेंगे? फिर
दुनिया लोग तो शादी में तो चढ़ना तुलने आता है तो तीने भोजन होता ही नहीं क्या क्या दुनिया लोग दुनिया में आता है और शादी कराते हैं शादी कराते हैं हर घर से पैसे लेते हैं हर घर से पैसे लेते हैं डोनेशन करते हैं हम लोग तो शादी से मतलब नहीं हम लोग क्या हां क्या देंगे या नहीं देंगे समाज में रहना है बाबा ने कहा दोनों तरफ तोड़ निभानी है जो गृहस्थी है वो लौकिक में भी तोड़ निभाएं और अलौकिक में भी तोड़ निभाएं माने ब्राह्मणों की दुनिया में जन्म लिया है तो ब्राह्मणों के साथ भी तोड़ निभाएं और लौकिक दुनिया में रहते हैं कि नहीं रहते हैं उनको ज्ञान में निकालना है कि नहीं निकालना है तो उनके साथ भी तोड़ निभा सिर्फ दिखाने के लिए दिखावा मात्र करने के लिए तोड़ निभानी है ऐसे नहीं कि सारी धन संपत्ति जाके उनको कहीं शादी में दे आओ जाके और बाबा भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यक्ति कहाँ है हाँ उनको बताओ भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है शिव शंकर को मिलाते एक क्यों कर दिया है दूसरे धर्म पिताओं को दूसरे देवताओं को मिलाकर के शिव के साथ एक क्यों नहीं कर दिया ऐसी कौन सी आत्मा है जो शिव भगवान के साथ जोड़ी जाती है कौन आत्मा है शंकर है बस शिव शंकर में ही प्रवेश करता है ये साबित कर दो शंकर में ही एक व्यापी है बस ब्रह्मा कुमारियां समझ जाएगी कि हम जिसे शंकर पार्टी बोलते हैं वो तो भगवान साबित हो रहा है ब्रह्मा बाबा तो नहीं हुआ बिजली जाने वाली है चलो क्लास बंद करो एक घंटा हो गया कि नहीं